नमस्ते विद्यार्थियों, आज हम अपने विज्ञान की 24वीं वीडियो में मिल रहे हैं। कौन सी वीडियो में? 24वीं वीडियो में मिल रहे हैं। और हमारा जो इस टाइम टॉपिक चल रहा है वो मेंडल के जो नियम थे उनके बारे में अपन बात करने वाले हैं। मेंडल ने जो वैज्ञानिक थे उन्होंने तीन नियम दिए थे। और कौन सा नियम दिया था? पहला प्रभाविता का नियम था, दूसरा पृथक्करण का नियम था और तीसरा उन्होंने दिया था स्वतंत्र अपव्ययन का नियम दिया था उन्होंने। तो इन तीनों नियमों के बारे में मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ, आपको कोशिश करनी है समझने की, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम देखो क्या लिखा हुआ है, यह एक संकर संकरण पर आधारित है। एक संकर संकरण पर आधारित है पहला और जो दूसरा नियम है, ये दोनों ही एक संकर संकरण पर आधारित है। और जबकि जो स्वतंत्र अपव्ययन का नियम होगा इसमें दो संकरण संकर पर आधारित होगा ये, ठीक है, आधारित है। ये विप्रयासी समयुग्मी पादपों में कराया जाता है। विप्रयासी समयुग्मी पादपों में कराया जाता है, जैसे कि कैपिटल टी और स्मॉल टी के मध्य में संकर लगवाया जाता है। विप्रयासी हैं और ये कैसे हैं? विप्रयासी हैं और कैसे हैं? समयुग्मी हैं। विप्रयासी का मतलब आप समझ गए होंगे, पर्याय है ये इसका, ये इसका क्या है? पर्याय है। लेकिन कैसा है? वी है, यानी उल्टा है ये इसका जस्ट। और समयुग्मी है, देखो विप्रयासी का मतलब मैं फिर से बता रहा हूँ, विप्रयासी यानी इसका जो पर्यायवाची है उसका जस्ट उल्टा है ये। जैसे ये लंबापन है और लंबापन का जस्ट उल्टा क्या होगा? बौनापन होगा। और कैसे हैं? समयुग्मी है, इन दोनों में दोनों समान है तो इसको क्या बोलते हैं? समयुग्मी बोलते हैं। जब इन दोनों के मध्य में क्रॉस कराया जाता है तो इस प्रकार की हमें F1 पीढ़ी प्राप्त होती है। इस प्रकार की हमको क्या प्राप्त होती है? F1 पीढ़ी प्राप्त होती है। देखो पादपों में संकरण कराया जाता है तो वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में अभिव्यक्त होता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। अब जो ये वाला हमारे सामने जब हमने विप्रयासी समयुग्मी पादपों के मध्य में क्रॉस कराया है तो ये जो क्रॉस है इसमें जो ये वाला गुण आया है, ये जो शुद्ध लंबे वाला गुण था, कैसा था ये? शुद्ध लंबेपन का जो ये गुण था। और ये जो कैसा था? शुद्ध बौना था ये वाला, शुद्ध जो बौना था। अब इसने जो शुद्ध लंबे वाले जो गुण हैं वो इस बौनेपन के गुण को छुपा देंगे और ये जो पादप होगा ये कैसा होगा? अशुद्ध लंबा होगा। कैसा होगा? अशुद्ध लंबा। अब देखने में तो लंबा ही पौधा है ये, इसीलिए जब ये दिखने में लंबा पौधा है तो जो प्रभावी एक्टिव गुण है जो उसने अनएक्टिव गुण को यानी अप्रभावी गुण को छुपा दिया है। और जो अगली पीढ़ी उत्पन्न हो रही है उसमें भी पौधा कैसा प्राप्त हो रहा है अपन को? लंबा पौधा प्राप्त हो रहा है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं हम? प्रभाविता का नियम कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, देखो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, पेपर में कई बार पूछा गया है, मैं फिर से आपको बता देता हूँ। विप्रयासी समयुग्मी इसका अर्थ आपको जरूर आना चाहिए, कई बार अपन को इसका अर्थ ही नहीं पता चलता है। विप्रयासी समयुग्मी यानी जब इनके बीच में क्रॉस होता है तो इस प्रकार को हमको F1 पीढ़ी प्राप्त होती है। F1 पीढ़ी में ये जो कैपिटल वाला है इसी के लक्षण प्रकट होते हैं और ये जो है ये इसके गुणों को दबा देता है, इसी ही प्रभाविता का नियम कहते हैं। और ये पादप कैसा नजर आएगा हमको? लंबा पौधा नजर आएगा। ठीक है, अब देखो दूसरा नियम देखते हैं, पृथक्करण या शुद्धता का नियम। पृथक्करण या शुद्धता का नियम एक संकर संकरण पर आधारित है। ये नियम भी किस पर आधारित है? एक संकर संकरण पर आधारित है। इसमें F1 पीढ़ी के संकर या विषम युग्मी से युग्मक बनते समय दोनों युग्मविकल्पी अलग अलग होकर युग्मकों में चले जाते हैं। देखो समझने वाली बात क्या है, एक संकर संकरण पर आधारित है, यहाँ तक वही वाली बात है पहले वाली। इसमें F1 पीढ़ी के संकर यानी यहाँ तक तो अपन F1 पीढ़ी में संकरण क्या आया था इस वाले में और वहीं पर ही रुक गए थे, अपन ने बोल दिया कि ये लंबा पौधा होगा। इसमें क्या होगा? F1 पीढ़ी के जो संकर या विषम युग्मी से युग्मक बनते समय, देखो फिर से करते हैं, सबसे पहले इस प्रकार से एक अपन ने क्रॉस कराया था, यहाँ पर हमको इस प्रकार से एक संतति प्राप्त हुई थी। जैसा कि हमने बोला था
कि इस प्रकार का जो पादप आता है वो कैसा आता है, अशुद्ध लंबा पौधा आता है। अब देखो जब इस प्रकार के पौधों में ये वाला कौन सी पीढ़ी आई, F1 पीढ़ी आई। अब अपन ने जो ऊपर वाला था प्रभावितता का नहीं, उसमें तो इसको यहीं तक ही रोक दिया था, अपन नीचे वाले में इसको यहाँ तक नहीं रोकेंगे। अब देखो ये एक तो कैपिटल डी है, कैसा स्मॉल डी है, और अगर एक कैपिटल डी एक स्मॉल डी में फिर से जनन कराया जाए तो यहाँ, अब देखो इसके बारे में पहले थोड़ा समझते हैं क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है F1 पीढ़ी का संकर ये दोनों हाइब्रिड है, भाई दोनों से मिलकर बना है इसलिए इसको संकर बोला है। विषम युग्मी से युग्मक बनाते समय विषम युग्मी, यानी देखो ये विषम युग्मी है दोनों, ये तो समयुग्मी है, दोनों एक दूसरे के समान है, ये कैसे हैं विषम युग्मी है क्योंकि ये दोनों अलग अलग हैं। विषम युग्मी से युग्मक बनाते समय दोनों युग्म विकल्पी अलग अलग होकर युग्मकों में चले जाते हैं। जैसे कि कैपिटल डी का जब कैपिटल से क्रॉस होगा तो इस प्रकार का हमको प्राप्त होगा, है ना, कैपिटल का जब स्मॉल से होगा तो इस प्रकार का हमको संकरण प्राप्त होगा, और जब स्मॉल का इससे प्राप्त होगा तो फिर एक बार ये वाला हमको रिजल्ट प्राप्त होगा, और इसका स्मॉल से जब स्मॉल से होगा तो इस प्रकार से हमको चार पादप प्राप्त होंगे। समझ में आ रही है बात आपको, कैपिटल का कैपिटल से कराया इस प्रकार से, कैपिटल का स्मॉल से कराया है, फिर स्मॉल का कैपिटल से कराया है, और स्मॉल का स्मॉल से कराया है, तो इस प्रकार से हमको पादप प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब इसको चाहे आप F2 पीढ़ी कह लें, ठीक। अच्छा ये हम कहाँ पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, अभी पृथक्करण का नियम पढ़ रहे हैं, और आप देखो कि इस इन दोनों के जो गुण हैं वो अगली पीढ़ी में पृथक पृथक होकर आए हैं, इसका इससे कोई लेना देना नहीं रहा, इसमें स्मॉल डी भी था जबकि इस वाले में स्मॉल डी नहीं आया है, ये दोनों अभी भी कैसे आ रहे हैं, विषम युग्मी आ रहे हैं ये दोनों, और ये वाला कैसा आ रहा है, ये जो देखो इसमें कैपिटल डी वाला गुण भी था फिर भी ये कैसा आ गया, इसमें स्मॉल डी के गुण आए हैं दोनों। अब ये कैसा पौधा प्राप्त हुआ है अपन को, शुद्ध ये हुआ है, शुद्ध लंबा पौधा हुआ है। ये दोनों कैसे हुए हैं, अशुद्ध लंबे हुए हैं, कैसे हुए हैं, अशुद्ध लंबे पौधे हुए हैं। और ये वाला लास्ट में कैसा हुआ, शुद्ध बौना, ये वाला कैसा हुआ है, शुद्ध बौना पौधा प्राप्त हुआ है हमको। ठीक है, अब दिखने में कैसी बात आ रही है, दिखने में देखो तीन तो लंबे पौधे हैं, दिखने में कैसे पौधे प्राप्त हो रहे हैं, तीन तो लंबे पौधे हो गए और एक पौधा कैसा हो गया है बौना, जो दिखने में, ये मैंने आपको पहले बोला था इससे पहले वाले वीडियो में कि जो दिखते हैं उसे बोलते हैं लक्षण प्रारूप, और जो दिखते नहीं है और छुपे रहते हैं उसे क्या बोलते हैं, अपन झील प्रारूप। अब अपन दिखने वाली बात कर रहे हैं यानी लक्षण प्रारूप की बात कर रहे हैं, तो तीन जो है वो एक जैसे हैं, तीन जो एक जैसे हैं तो इसका मतलब 3:1, यानी जो इसका लक्षण प्रारूप आएगा जो दिखने में है, तीन पौधे कैसे लंबे हैं और एक पौधा कैसा है बौना है, तो 3:1 का इसका ये हिसाब आता है। और अगर अपन जीव प्रारूप की बातें करते हैं तो जीव प्रारूप में देखो एक तो हो गया शुद्ध लंबा पौधा, एक तो शुद्ध लंबा पौधा है, ठीक है, दो कैसे हैं अशुद्ध लंबे हैं, और एक कैसा है शुद्ध बौना है। तो अगर जीन प्रारूप की बातें करेंगे जो दिखने में नहीं है पर उनके अंदर आनुवांशिक संरचना ये विद्यमान है, हो सकता है जब कभी आगे ये जनन करेंगे, आगे संकरण करेंगे तो ये अपने गुणों को व्यक्त करेंगे। तो अब देखो इसमें मैंने यहाँ भी लिखा हुआ है कैपिटल डी का 1:1 आएगा, एक कैपिटल एक स्मॉल डी के 2 आएंगे, और दोनों स्मॉल के कितना आएगा 1 आएगा। तो अपने गुणों को पृथक पृथक इन्होंने कर दिया है, एक दूसरे से इनका कोई लेना देना नहीं रहा। तो जो जीव प्रारूप आएगा वो आएगा 1:2:1 का रेशो इसमें प्राप्त होगा, और जो लक्षण प्रारूप होगा उसका हमको क्या रेशो प्राप्त होगा, 3:1 का प्राप्त होगा। ठीक है, जो अब तीसरा नियम रह गया स्वतंत्र अवयव का नियम, इसके बारे में आपको कल बताने वाला हूँ। और देखो आज अपने होमवर्क क्या है, जीन प्रारूप लक्षण प्रारूप का अंतर लिखिए, मैंने अभी आपको जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप के बारे में बहुत अच्छा समझाया है, और प्रभावितता का आपको क्या लिखना है, नियम लिखना है कि प्रभावितता का नियम किसे कहते हैं, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था और इस वाले वीडियो में मैंने बताया था, जब एक संकर संकरण पर आधारित होते हैं तो विप्रयासी समयुग्मी पादपों में कराया जाता है, और वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में अभिव्यक्त होता है उसे क्या कहते हैं, प्रभावी कहते हैं। प्रभावी लक्षण जो होते हैं अप्रभावी लक्षणों को आप अपने अंदर छुपा लेते हैं और अप्रभावी के गुणों को व्यक्त नहीं होने देते हैं, इसे ही प्रभाविता का नियम कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप होमवर्क करके ज़रूर दिखाते रहें और हमसे जुड़े रहें, अध्ययन करते रहें, खाली समय का लाभ उठाएँ।